पोहरी में 38 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला मानसिक रूप से थी बीमार। पोहरी थाना के अंतर्गत नगर की भगवती कॉलोनी में आज दोपहर महिला शारदा पति ब्रजमोहन शाह के उम्र 38 वर्षीय निवासी भगवती कॉलोनी पोहरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला को फांसी पर लटका देख परिजनों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पोहरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसका लगभग 5 से 6 माह से इलाज चल रहा था। इसी परेशानी के चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को एक महिला द्वारा लिखा सुसाइड नोट भी मिला है, जिस पर लिखा हुआ है कि मेरे किसी भी ससुराल वाले एवं मायके वाले किसी को भी परेशान ना करें, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ब्रजमोहन शाह जो फांसी लगा खत्म हुई, वो कौन है आपकी? हमारी पत्नी है। तो ये कैसे, क्या घटना घटित हो गई? ये क्या मानसिक दिमाग मतलब परेशान थी और एक सुसाइड नोट रखा भी है, तो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया। क्या कुछ लिखा है सुसाइड में? ये लिखा था कि मैं अपने आप आत्महत्या कर रही हूँ, मेरे ससुराल वाले एवं मेरे मायके वाले आपस में ना लड़ें और कृपया मुझ पर इतनी दया करें कि मेरे आदमी को पति को परेशान ना करें, मैं अपने आप में ये। तो जी किसने ले लिया सुसाइड नोट, किस पर जब्त किया? सुसाइड नोट पुलिस भेजी है, एक पुलिस वाली, उन्होंने जब्त कर लिया। तो ये स्थिति क्या, मानसिक स्थिति खराब रहती थी इनकी? मानसिक स्थिति ये कहती थी मैं तो अब मुझे जीना नहीं चाहती, मेरी तो इच्छा। तो इलाज वगैरह कराते हो आप? इलाज हमने एंगर साहब के कराया था और एक और डॉक्टर थे मानसिक वाले। कितने सालों से इलाज चल रहा है इनका? ये 5-6 महीने हो गए। अब ये वाला तो एंगर वाला तो 2-3 महीने हुए, 2 महीने।